बड़ी महत्वपूर्ण और सुंदर है। रचित हुए समस्त जीव सृष्टि कर्ता भगवान की गायन और नृत्य से आराधना करते हैं। जीवों में मानव जन्म अति श्रेष्ठ है, लेकिन ये व्यक्ति मानव होकर आजादी से जिए बिना पराधीन और अशक्त होकर जी रहा है। ये कौन है? इसका चरित्र क्या है? इस देश में इसकी समस्या क्या है? तुम यहां तक आ गए? पुजारी जी, प्रसाद। पहले निकलो यहां से। तुम जैसे लोग अंदर ही नहीं आ सकते, तब प्रसाद कैसे मांग सकते हो? जल्दी से निकल जाओ, नहीं तो खंभे से बांधकर मारना पड़ेगा। निकल जाओ, निकल जाओ। ओम अपवित्रो पवित्रो वोवा, ओम अनंत पद्मनाभाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम शांति शांति ही। आजी थोड़ा पानी। Thank you.
फोन है? पार्वती, पार्वती। जी आई। इसने हमारे कुएं के पानी को छूकर अपवित्र कर दिया। इतनी हिम्मत इसकी? जाओ थोड़ा गोबर डालो इसमें ताकि ये पवित्र हो जाए। इसको हमारा ही कुआं मिला, इस मुए को ऐसे मत छोड़िए। मैं मालिक, आ, आ, मत मारिए मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, मालिक, माफ कर दीजिए मालिक। नहीं बेटा, तुम इसे क्यों मार रहे हो? और क्या करूं, इसने हमारे कुएं के पानी को छूकर अपवित्र कर दिया, इसके लिए यही ठीक सजा है। ऐसा किसने कहा है बेटा? यह सच्चाई मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। हाथ के कंगन को आरसी क्या, यह सत्य सारा संसार जानता है और मेरे बुजुर्ग भी यही करते आए हैं। ये सरासर तुम्हारे बुजुर्गों की गलती होगी बेटा, मगर तुम शिक्षित और इतने समझदार होकर भी ये गलती कैसे कर सकते हो? मेरे बुजुर्ग वेद शास्त्र का अच्छा अध्ययन किए थे, इसलिए वे कोई गलती नहीं कर सकते। वेद? कौन सा वेद? मैं भी तो जरा देखूं कि उस वेद में क्या लिखा है। बेटा, कोई वेद ये नहीं बताता है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करे, लेकिन कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए वेदों को ही गलत बताते हैं। दया और अनुकंप ही वेदों का सार है। गौमूत्र और गोबर से भी मनुष्य अपवित्र है क्या? इन झंझटों से बाहर निकलने के लिए भगवान इन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा रहा है।
मामा जी, मामा जी, आज आपके चाचा जी को देखा मैंने। अरे पगली, हमारे चाचा को घर छोड़े 40 साल हो गए हैं। हमारा ख्याल है कि वो मर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे कहने का ढंग तुमने किसी और को देखा होगा। अब जाओ भी। मामा जी, मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ मजाक करने के लिए। खुद ही चलकर देख लीजिए ना। आप उसकी बातों को ठुकराते क्यों हैं? एक बार चल के देख तो लीजिए। अभी चलते हैं तुम्हारे साथ। ठीक है, चलो। चलिए। आइए मामा जी, देखिए उधर है। मामा जी वो रहे। उठो बेटा, बेटा तुम राम हो ना? हाँ चाचा जी। चाचा जी, हमसे कौन सा अपराध हो गया था कि आप हमसे इतने साल दूर रहे? आपके साथ किसी ने अन्याय तो नहीं किया, बताइए चाचा जी। बेटा ये सच है कि मैं तुम लोगों से बहुत सालों तक दूर रहा, लेकिन मैं जहाँ कहीं होता था वहाँ तुम लोग भी रहते थे, इसलिए मुझे यहाँ का हाल मालूम होता था। चाचा जी अब तो आप घर आ सकते हैं ना? बेटा अब मैं संसारिक जीवन का त्याग कर चुका हूँ, मैं इसलिए कहीं नहीं जाऊंगा। हम सब समझे थे कि आपका स्वर्गवास हो गया है, इसलिए अगर आप एक बार गांव आ जाएं तो ये शक दूर हो जाएगा। बेटा एक बार संसारिक जीवन त्याग करने से जन्म और मरण में कोई अंतर नहीं रहता। 40 बरस तक संन्यास जीवन बिताने के बाद अगर मैंने फिर से संसारिक जीवन में कदम रखा तो इसमें कोई लाभ नहीं होगा। अचानक तुम्हारे गांव आने से मुझे बहुत खुशी हुई है, कारण मैं यहां की समस्याओं को जान सका हूं। बेटा अब मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि जल्द ही तुम्हारे यहां एक सतपुत्र का जन्म होगा और उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा। अब हमारे 13 बच्चे हैं, इस उम्र में भी बच्चे पैदा होना संभव है क्या? अगर भगवान की कृपा हो तो असंभव संभव हो जाता है। तुम्हारा बेटा चरित्रार्ह पुरुष बनेगा, आज से अपने धार्मिक भाव बढ़ाओ। बात सच निकली? हाँ वो जिंदा है। क्या? लेकिन आप उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लाए? उनका आशीर्वाद तो हम सब ले सकते थे। मैंने उन्हें बुलाया पर उन्होंने मना कर दिया। आप मुझे वहां अगर ले जाते तो उनके दर्शन तो पा लेती थी। सच, मैं तो उन्हें यहाँ लाना चाहता था लेकिन उन्होंने आना मंजूर नहीं किया। उनकी भगवान जैसी सूरत देखते देखते समय बीत गया। क्या उन्होंने आपसे ये नहीं कहा कि घर छोड़ के इतने साल वो कहां रहे? नहीं, लेकिन उन्होंने एक आश्चर्यजनक बात सुनाई।
वो क्या? उन्होंने वरदान दिया कि इतिहास में नाम कमाने वाला हमारे यहाँ एक पुत्र पैदा होगा। आपने उन्हें क्यों नहीं बताया कि बच्चा पैदा करने की उम्र नहीं है हमारी? उन्हें ये सब बताने की आवश्यकता नहीं है, वो सब कुछ जानते हैं। हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे।
ठीक है। अरे माता जी कैसे हैं आप? कैसी हो बेटी? अच्छी हूँ, तू कैसी है? ठीक हूँ। भीमा बाई के आने से गांव में रौनक सी आ गई। स्वामी जी के वाक्य के अनुसार भीमा बाई गर्भवती हो गई। देखना है कि कौन सा बच्चा पैदा होगा। हाँ आनंद, तेरा छोटा भाई आ गया। स्वामी जी का कहा वाक्य सच हो गया, भगवान ने दया कर दी। मेरा राजा बेटा, मेरा मुन्ना। अरे भीमा बाई, बेटा हीरा सा, प्यारा सा, मोटा सा है, क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे? मोटा सा भीम जैसा है, तब हम भीम नाम से ही पुकारेंगे। भीम 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 भीम। परिपालन करने के लिए श्री रामचंद्र प्रभु जी अयोध्या नगरी से सीता लक्ष्मण समेत वनवास के लिए जाने के समय अयोध्या नगरी के बालक से वृद्ध तक सभी लोग शोक सागर में डूब गए। भीम, तुम्हारा ट्रांसलेशन जरा दिखाना। ओ,
गुड, ठीक है। बलराम तुम्हारी ग्रामर एक्सरसाइज दिखाना। अरे ये क्या, तुमने गलत लिखा है। द सन राइजेस ऑन द ईस्ट नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अरे बलराम ये भी गलत लिखा है तुमने। देयर केम ए जेंट एट माई डोर नहीं, टू माई डोर। गलती सुधार लो। बलराम भीम उठो, बहुत समय हो गया, स्कूल ले जाना। नीलकंठ राव गायकवाड़ प्रेजेंट सर। यशवंत भंडारकर प्रेजेंट सर। रामचंद्र राव प्रेजेंट सर। देश पांडे प्रेजेंट सर। वैकुंठ राघव प्रेजेंट सर। दामोदराचार प्रेजेंट सर। हेमाम भरदर आया नहीं सर। आया नहीं। बलराम रामजी अंबेडकर प्रेजेंट सर। भीमराव रामजी अंबेडकर प्रेजेंट सर। शिव 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 शिव। भीम बलराम क्यों इधर बैठे हो, उधर कोने में बैठो। उठो उठो ना। आज का पाठ है वर्णाश्रम। हमारे देश में चार वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? चार वर्ण हैं। उनके नाम तुझे मालूम? नहीं सर। हमारे देश में कितने वर्ण हैं नहीं मालूम? नहीं सर। मालूम नहीं तो इस देश में क्यों पैदा हुआ? हमारे देश में चार वर्ण हैं, उन्हें चातुर्वर्ण कहते हैं। वो हैं ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण लोग विद्या को सीखने और सिखाने वाले हैं। क्षत्रि लोग देश का रक्षण करने वाले हैं। वैश्य लोग व्यापार वगैरह करने वाले हैं और शूद्र विविध काम करने वाले हैं। शूद्र में अति शूद्र लोग भी हैं, उन्हें अस्पृश्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्पृश्य कहते हैं। अस्पृश्य किसे कहते हैं मालूम है तुझको? मालूम नहीं सर। अस्पृश्य किसे कहते हैं नहीं मालूम? नहीं सर। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं बताया सर। अस्पृश्य यानी हमें उन्हें छूना नहीं चाहिए, उनसे हमें दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं बताया था क्या? तुम्हारी माँ ने भी नहीं बताया? नहीं सर। शिव 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 शिव। कैसे माँ बाप हैं, कैसे माँ बाप हैं? कुछ माँ बाप को अपने बच्चों को क्या समझाना क्या नहीं समझाना ये भी नहीं मालूम, इसीलिए हमारा देश इस दुस्थिति में आ गया।
आ गए बेटे। बेटे आज कौन सा पाठ पढ़ा? अध्यापक का पढ़ाया गया पाठ तुम्हारी समझ में आता है ना? कोई बात नहीं, बताओ अध्यापक ने क्या पढ़ाया? वो हमें कोने में बिठा देते हैं, हमें कुछ भी सुनाई नहीं देता। हम क्लास में है भी या नहीं ये भी नहीं देखते। क्यों पिताजी, वे हमें कोने में क्यों बिठा देते हैं? जा के आराम कर। इसे जा जा नहलाने के लिए। चल भीम मैं नहला देती हूँ तुझे। बैठ बेटा। आते ही होंगे, बस धीरज रखो, तुम फिक्र मत करो। सोच रहे हो राम भैया, वो तो सुमंगली ही चली गई, बच्चों की देखभाल मैं आज से करूंगी।
पहले तुम उनकी विद्या की तरफ ध्यान दो। अभी नहला दी उठा। नहीं नहाना है मुझे। कहाँ चला गया ये लड़का? बहुत सताता है मुझे। कहाँ छुप गया? भीम, भीम कहाँ चला गया? चोर पकड़ा गया। माफ कर दो, मुझे नहीं नहाना है बुआ। चल, कल ही तो नहाया था। जिद नहीं करते बेटे, चल। नहीं नहाना। बड़ों की बात मानते हैं, चलो। नहीं नहाना। चल। नहा के जल्दी से तैयार हो जाए, स्कूल जाना है ना? अच्छे बच्चे बात मानते हैं। रुक जा। शाबाश, देखा? कुर्ता पहन ले। जल्दी करो ना। कहाँ चला गया ये लड़का? ढूंढते ढूंढते थक गई है। भीम, तुम उधर हो? नीचे उतरो, चल के खाना खा लो। मारूंगी तुम्हें। मुझे मारोगी? कूद जाऊंगा। अरे ऐसा मत करो। ये लड़का तो बड़ा जिद्दी है, अपनी मनमानी करता है। तुम्हारी सलेट ये लो। आज का पाठ है संस्कृति। ये हमारी संस्कृति है, हमारे देश की संस्कृति है। हमारा देश सत्य, धर्म और त्याग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हरिश्चंद्र महाराज सत्य परिपालन के लिए अपना साम्राज्य त्याग करके सत्य हरिश्चंद्र हुआ। शिबी चक्रवर्ती दान के लिए अपने शरीर का बलिदान दिया। श्री रामचंद्र पितृवाक्य पालन के लिए अपना राज्य छोड़कर वनवास गए। कहाँ जा रहे हो? प्यास लगी है, पानी। यहाँ का पानी तुम और तुम्हारे लोगों के लिए नहीं, मत छुओ। तुम पानी लेकर उसके मुंह में डालो। जी अच्छा। Thank you.
अभी मैं कौन सा पाठ पढ़ा रहा था? संस्कृति सर। हाँ, हमारी संस्कृति। अच्छी तरह समझ गए ना? आज कौन सा पाठ पढ़ा? तुम दोनों ने क्या सीखा? हम स्कूल नहीं जाएंगे पिताजी। क्यों बेटे? वहाँ पानी पीने के लिए जाने से पानी की मटकी तक छूने नहीं देते पिताजी। कोई और लड़का पानी लाकर हमारे मुंह में डालता है पिताजी। हाँ पिताजी। पिताजी पिताजी, आज मैंने एक हिसाब किया था पिताजी। तुम जाओ, दूर हटो। मेरा आंसर सही है ना सर? जाओ बोला ना, जाओ। मास्टर जी हमें उनके पास जाने से मना करते हैं पिताजी। इसके लिए निराश नहीं होना चाहिए, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, तभी हम विद्या सीख सकते हैं, समझे ना? मीरा बहन, मीरा बहन। वो यहाँ कहाँ होगा भैया, आंगन में खेल रहा होगा। भैया उसे स्कूल भेजकर अच्छी तरह पढ़ाओ। Thank you.
पागल लड़के, बाग का काम हो गया, बकरियां भी चराई गई, अब फिर से स्कूल। तुम बहुत देर से किसी का इंतजार कर रहे हो। हमारे पिताजी को यहाँ आने के लिए खत लिखा था, इसलिए उनका इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ कोई भी नहीं आएगा, कोई गाड़ी भी नहीं आएगी। उधर देखो बैलगाड़ी खड़ी है, किराया चाह करके जाओ। है ठीक से बैठना, एक बैल नया है वो डर रहा है। क्या तुम पढ़ रहे हो? जी हाँ। कौन सी क्लास में? नवावर। ये उम्र में नवावर, शाबाश। है बलराम और ये भीम। भीम और बलराम बहुत अच्छे नाम हैं। है तुम कौन सी कौन के हो? महर। क्या महर? पहले बता दिया होता मेरी गाड़ी बैल सब अपवित्र हो गए।
थोड़ा पानी। जाओ जाओ। इसलिए तुझे पानी पीने के लिए हमारा तालाब ही मिला। इतनी हिम्मत तेरी? क्या भीम, बहुत समय से इधर ही बैठे हो, स्कूल नहीं जाना क्या? नहीं, नहीं जाऊंगा। ठीक है तो तुम कल स्कूल चले जाओ। अब जाके अपने बाल कटवा के आओ जल्दी। कल स्कूल जाना है मुझे, बाल कटवाने आया हूँ। बाल कटवाने आए हो? मुझे तुम्हारे बाल काटते हुए इस गांव के लोगों ने देख लिया तो मेरी दुकान बंद करवा के मुझे जान से मार डालेंगे। अरे मुझ गरीब के पेट पर लात क्यों मारते हो? गांव वालों के देखने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ। अरे जाओ, अरे जाओ ना। गली में जाने वाली भैंस की हजामत करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों की हजामत कभी नहीं करूंगा। ठीक बोला ना? हाँ ठीक बोला। है? है? साहब दर्द हुआ क्या? अरे भीम, ये क्या ऐसे ही वापस आ गए? अगर वो मेरे बाल काट लेगा तो उसकी कैंची अपवित्र हो जाएगी। ऐसा कहा उसने? मुझे और पैसे दो, मैं दूसरी दुकान जाऊंगा। किसी भी दुकान में जाओगे तो यही बोलेंगे, मंजुला मंजुला तुम ही इसके बाल काट दो, कल से ये स्कूल जा सकता है। ठीक है। परेशान सा दिख रहा है आजकल। हाँ,
आपकी बहन कहती थी कि गांव से आने के बाद वो बीमार रहा। साथ ही इसलिए भी उदास होगा कि मैंने दूसरी शादी कर ली। देखिए, आप ये शक दूर कर दीजिए, मैं उसकी सगी माँ से भी ज्यादा देखभाल करूंगी। भीम, भीम आओ बेटे, सुनो बेटे, मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। अब वो सब भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। हाँ भीम, तुम्हारी बुआ भी अब बूढ़ी हो गई है, तुम लोगों की देखरेख के लिए ही मैंने दूसरी शादी कर ली। अब जाओ बेटा, पढ़ाई शुरू करो। परेशान से लगते हो, आजकल स्कूल भी नहीं जा रहे हो, क्या हुआ बोलो तो। आज से मैं अपने पैर पे खड़ा होना चाहता हूँ। मुझे पता चला है कि बम्बई में काम मिल सकता है, मैं बम्बई जाना चाहता हूँ। नहीं भीम, बम्बई कहाँ और तुम कहाँ, वहाँ काम करने की उम्र भी नहीं है तुम्हारी, और बम्बई जाने के लिए पैसे कहाँ से तुम लाओगे। मुझे मालूम है तुम दिल में ऐसा क्यों सोच रहे हो, यही ना राम भैया ने दूसरी शादी कर ली। देखो, ये बेकार के ख्याल छोड़ दो और पढ़ाई पर ध्यान दो। छोटी माँ दिल की अच्छी है, अच्छे खानदान की है, वो तुम सबकी प्यार से देखभाल करेगी, समझ गए ना। अब जाओ पढ़ाई शुरू करो। जाओ भीम। बम्बई कहाँ और तुम कहाँ, वहाँ काम करने की उम्र भी नहीं है तुम्हारी, और बम्बई जाने के लिए पैसे कहाँ से तुम लाओगे।
कितनी बड़ी भूल कर दी मैंने। मेरा उद्धार, मेरे मन की शांति पढ़ाई में ही है। मेरा उद्धार, मेरे मन की शांति पढ़ाई में ही है। मेरा उद्धार, मेरे मन की शांति पढ़ाई में ही है। चल के खाना खा लो, बहुत देर हो गई, आओ ना। नहीं, मुझे तंग मत करो। लगता है इसमें परिवर्तन आ गया है, हमें इसमें अड़चन नहीं डालनी चाहिए। चलो। Thank you.
पिछले हफ्ते मैंने सरल और चक्रवर्ती ब्याज का विवरण दिया और अब उन दोनों में अंतर भी बताया। अब इसे हल करो। तुम में से कोई तुम नहीं नहीं बैठो भीम जी सर तुम आओ। देखा तुम्हारी छाया पड़ने से खाना अपवित्र हो जाता है। तुम और तुम्हारे लोगों के लिए विद्या क्यों? तुम और तुम्हारे लोगों के लिए और काम है, उन्हें करो ना। आप अपना काम देख लीजिए, मेरी परवाह आपको क्यों? नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते राम जी, आपसे एक बात पूछनी है। पूछिए मास्टर जी। आजकल आप में से किसी ने भीम को डांटा है क्या? नहीं तो क्यों मास्टर जी? वो पूरा बदल गया है, वो अब पहले जैसा नहीं है राम जी। अब वो रोज स्कूल आता है, अच्छा पढ़ता है, हमेशा पढ़ाई में ही लगा रहता है, इसीलिए आपसे पूछा मैंने। बहुत अच्छा मास्टर जी, जो पेंशन मिलती है वो कम है, उसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपनी बेटियों के गहने बेचकर नई किताबें लाया हूँ। अब आपकी बातें सुनकर मुझे शांति मिली। अब उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, उसे आप किसी तरह कोशिश करके आगे पढ़ाइए। ठीक है मास्टर जी, चलता हूँ। अच्छा क्या चाहिए? मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ, इसके लिए मुझे एडमिशन चाहिए। संस्कृत? संस्कृत सीखने के लिए इतने उत्सुक क्यों? हमारे वेद शास्त्र और पुराणों को समझने के लिए संस्कृत मुख्य है। दया करके दाखिल कर लीजिए। हाँ देखो, संस्कृत को सीखने और सिखाने वाले दूसरे होते हैं, तुम और तुम्हारे लोगों के लिए नहीं। जाकर अरबिक या पर्शियन नहीं तो तमिल सीखो। जाओ जाओ। मैं अवश्य सीखूंगा। पिताजी। क्या है भीम? पिताजी मैंने संस्कृत सीखने के लिए पूछा, उसे तुम नहीं सीख सकते, उसे सीखने और सिखाने वाले और हैं, ऐसे बोले। लेकिन मैं सीखना ही चाहता हूँ, इसके लिए मुझे ट्यूशन फीस चाहिए। तुमसे कुछ छुपा नहीं है भीम, तुम्हारी विद्याभ्यास के लिए तुम्हारी बहनों के पास उधार मांगने की स्थिति पर आ गया हूँ। देखो भीम, सीखने वालों की यदि श्रद्धा रहे तो ट्यूशन क्यों? महाभारत में एकलव्य भी शूद्र था। विद्या सिखाने को एकलव्य ने जब कहा तो द्रोणाचार्य ने उसे ठुकरा दिया। तब उसने उनकी प्रतिमा बनाकर उसके सामने विद्याभ्यास किया और असाधारण धनुर्विद्या प्राप्त की। एकलव्य ने श्रद्धा से अभ्यास करके एक दिन शब्द वेदी विद्या का प्रयोग किया। उसी मार्ग से आते हुए द्रोणाचार्य ने यह देखकर सखेद आश्चर्य हुए। कौन है तेरा गुरु, ये पूछने पर आप ही हैं कहकर उनकी प्रतिमा दिखाई। गुरु की इच्छा अनुसार गुरु दक्षिणा में उसने अपने दाएं हाथ के अंगूठे को काट के दे दिया। नहीं पिताजी, द्रोणाचार्य को महागुरु कहते थे, लेकिन उन्होंने तो एक शूद्र का अंगूठा मांग लिया था ना। ये सब तो महान लोगों के विचार हैं। अब तुम पढ़ाई शुरू करो।
शिव शिव शिव। भीम बलराम क्यों इधर बैठे हो? उधर कोने में बैठो, उठो उठो ना। पानी तुम और तुम्हारे लोगों के लिए नहीं, मत छुओ। तुम पानी लेकर उसके मुंह में डालो। ये अच्छा। सही है ना सर? जाओ बोला ना, जाओ। Thank you.
नहीं, पूरी रात पढ़ रहे थे क्या? आप तो जानते हैं ना पिताजी, आज से मैट्रिक की परीक्षा है। अच्छा, अब जाकर नहा लो। जी अच्छा। भीम तुम पास हो गए, मुबारक हो। चलो 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 चलो। अरे मैं तो 10 नंबर में पास हो गया। भाइयों और बहनों, श्री युद्ध किलोस्कर जी और सूबेदार राम जी, आप लोगों को मालूम होगा कि हम सब यहां क्यों इकट्ठा हुए हैं। चिरंजीवी भीम, तुम्हारा भीम, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी नहीं, हम सबका प्यारा भीम बंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल से मैट्रिकुलेशन परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। ये हम सब के लिए खुशी और गर्व की बात है, खासकर माहर लोगों के लिए। एक समाज सेवक होने के नाते मुझे मालूम है कि तुम्हारी कौम के लोगों को पढ़ाई करना कितना मुश्किल है। तुम्हारे बच्चे कक्षा के कोने में टाट पर बैठेंगे, अध्यापक उनकी ओर देखेंगे नहीं, बच्चों को ठीक तरह से सुनाई नहीं देगा। अगर प्यास लगी तो कक्षा में दूसरे बच्चों की तरह तुम्हारे बच्चे पानी नहीं पी सकते, दूसरे विद्यार्थी तुम्हारे बच्चों के साथ नहीं मिलते। इस तरह अपमान और तिरस्कार सहकर हमारा भीम मैट्रिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। ये सब देखते हुए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वामी जी की कही गई बात सच हो रही है, यानी भीम इतिहास में अपना नाम अमर करेगा। मुझे मालूम है कि राम जी को इसे पढ़ाने के लिए कितनी मुश्किलें उठानी पड़ी। जब पैसे नहीं थे तो अपनी बेटियों से भी उधार मांगकर इसे पढ़ाता था। इस तरह आपके सभी बच्चों को भीम जैसी मेहनत करके पढ़ाई करनी होगी। साथ ही भीम को शुभकामनाएं प्रकट करते हुए बुद्ध जीवन की ये किताब पुरस्कार में दे रहा हूं। संगम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। इस संदर्भ में श्रीमान किलोस्कर जी कुछ बात करना चाहते हैं। प्रिय बंधुओं, श्रीमान एसके भोले जी और सुबेदार राम जी, आज हमारे भीम ने जो साधना की है वो सिर्फ दलित युवकों के लिए ही नहीं, हमारे पूरे हिंदुस्तान के बच्चों के लिए एक आदर्श का प्रतिबिंब है। मालूम हुआ है कि राम जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी है, इसलिए मैंने बड़ौदा के महाराज श्रीमान सयाजी राव गायकवाड़ से वार्तालाप करके आया हूं। उन्होंने भीम को 25 रुपये स्कॉलरशिप मंजूर की है। भीम को शुभकामनाएं मैं अर्पण करता हूं। अरे राम जी, भीम को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भेज रहे हो ना? इसे पढ़ाने के लिए अपना सब कुछ त्याग दूंगा। अरे भीम, तेरी शादी है ऐसा सुनने में आया है। मुझे पता है, रामी बहुत अच्छी लड़की है। शुभकामनाएं तेरे साथ हैं, भगवान तुम दोनों को अच्छा रखे। Thank you.
दूसरी जगह नहीं मिली क्या? इससे भी अच्छी जगह हमें कहाँ मिलेगी? बहुत अच्छी लड़की है, उसे हमेशा खुश रखना। आज से रामी नहीं, रमाबाई। मछली आने वाली है, जल्दी निकलो यहां से। Today I would like to deal with the three major concepts in political philosophy. They are liberty, fraternity and equality. These three concepts have been defined by various political thinkers and philosophers in different ways. For our understanding, liberty means the eager maintenance of that atmosphere in which men have the opportunity to be their best selves. Liberty, therefore, is a product of rights
where the individual is entirely free to develop his faculties without interfering with the social business of others. The individual's liberty does not depend upon the pleasure of others. No groups of men must be in a position to encroach upon the individual's enjoyment of liberty attached to him as a citizen. Secondly, fraternity means brotherhood, where the individual loves everyone and treats everyone as his own brother. In a society where there is an atmosphere of fraternity, the individual feels stronger and strives hard for the overall development of his country. Fraternity keeps away suppression and oppression from the minds of individuals. A weak and meek individual is not subjected to hatred, insults, and indignities. He is always given a helping hand in distress. Lastly, equality means that no man shall be so placed in society that he can overreach his neighbor to the extent which constitutes a denial of the latter's citizenship. It means that the individual moves forward to any office in the state for which men are prepared to choose him. It means that adequate opportunities are laid open to all. It also means that even if the individual's voice be weighed as less weighty than that of another, it must yet receive consideration in the decisions that are made. To conclude, I would like to say that there cannot be a society without liberty, fraternity, and equality. If at all there is one, it is bound to collapse. चलते हुए पढ़ते हो, बैठकर पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो, रात में पढ़ते हो और पेड़ के नीचे भी पढ़ते हो, क्या बात है? चाय दीजिए। चाय नहीं। इसलिए तुझे पानी पीने के लिए हमारा तालाब ही मिला। इतनी हिम्मत तेरी? Thank you.
कल स्कूल जाना है मुझे, बाल कटवाने आया हूँ। बाल कटवाने आए हो? मुझे तुम्हारे बाल काटते हुए इस गांव के लोगों ने देख लिया तो मेरी दुकान बंद करवा के मुझे जान से मार डालेंगे। अरे मुझ गरीब के पेट पर लात क्यों मारते हो? गांव वालों के देखने से पहले तुम यहां से चले जाओ। अरे जाओ, अरे जाओ ना। गली में जाने वाली भैंस की हजामत करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों की हजामत कभी नहीं करूंगा। ठीक बोला ना? हाँ ठीक बोला। तुम में से कोई, तुम नहीं, नहीं बैठो भीम। जी सर। तुम आओ। देखा, तुम्हारी छाया पड़ने से खाना अपवित्र हो जाता है। तुम और तुम्हारे लोगों के लिए विद्या क्यों? तुम और तुम्हारे लोगों के लिए और काम है, उन्हें करो ना। आप अपना काम देख लीजिए, मेरी परवाह आपको क्यों? हाउ लॉन्ग दीज इंसल्ट्स, इनडिग्निटीज एंड ह्यूमिलिएशन शुड कंटिन्यू। The Hindu society in which you are born is not in a mood to change its heart and mind. The only way is to fight. To fight, power is necessary. Power comes out of knowledge. Knowledge can be acquired only by hard work and self-denial. Arise, awake, and take no rest till you release your people from perpetual bondage and slavery. इंटरमीडिएट के बाद अब तुम बीए तक आ गए, परीक्षा नजदीक आ रही है। अपनी क्लास बुक छोड़कर दूसरी किताबें पढ़ रहे हो? किताबें पढ़ने के अलावा मेरे लिए दूसरा मनोरंजन क्या है पिताजी? ठीक है भीम, लेकिन इस वातावरण में तुम कैसे पढ़ोगे? अब जाकर तुम सो जाओ, निश्चब्द होने के बाद मैं जगाऊंगा तुम्हें, तब तुम पढ़ लेना। ठीक है पिताजी। भीम, भीम, हाँ?
Time, please. Stop writing. पिताजी, मैंने बीए पास कर लिया। पिताजी, बड़ौदा महाराज के पास स्कॉलरशिप के लिए किए हुए एग्रीमेंट अनुसार मैं उनके राज्य में काम करूंगा। साथ ही अपनी पढ़ाई और अपने विषय में मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। टेलीग्राम। पिताजी, भीम, तुम्हारा ट्रांसलेशन जरा दिखाना। ठीक है बलराम, तुम्हारी ग्रामर एक्सरसाइज दिखाना। अरे ये क्या, तुमने गलत लिखा है। द सन राइजेस ऑन द ईस्ट नहीं, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अरे बलराम, ये भी गलत लिखा है तुमने। देयर केम ए जेंट एट माई डोर नहीं, टू माई डोर। गलती सुधार लो।
भीम, पूरी रात पढ़ रहे थे क्या? आप तो जानते हैं ना पिताजी, आज से मैट्रिक की परीक्षा है। अच्छा, अब जाकर नहा लो। जी अच्छा। भीम, इंटरमीडिएट के बाद अब तुम बीए तक आ गए, परीक्षा नजदीक आ रही है, अपनी क्लास बुक छोड़कर दूसरी किताबें पढ़ रहे हो? किताबें पढ़ने के अलावा मेरे लिए दूसरा मनोरंजन क्या है पिताजी? ठीक है भीम, लेकिन इस वातावरण में तुम कैसे पढ़ोगे? अब जाकर तुम सो जाओ, निश्चब्द होने के बाद मैं जगाऊंगा तुम्हें, तब तुम पढ़ लेना। ठीक है पिताजी। मॉर्निंग सर। आओ बैठो। मेरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। क्या बात है? आज हमारे महाराज श्री सयाजी राव गायकवाड़ के सानिध्य में साक्षात्कार है। इस साक्षात्कार का उद्देश्य? मैंने अमेरिका जाने के लिए संस्थान में निवेदन किया था, उसके बारे में। ये वही है, आप बैठिए, मैं अभी आता हूँ। तुम्ही हो ना भीमराव रामजी अंबेडकर? हाँ महाराज, मैं ही हूँ। तुम अपने बारे में बताओगे? महाराज, मैं आपकी दया और सहायता से ही बीए की परीक्षा में पास हो गया हूँ। आगे पढ़ने के लिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। विलायत जाने का कारण? महाराज, मैंने सुना है कि अमेरिका में एकता भाव और बंधुत्व भावना से मिली जुली सभ्यता है। जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन जैसे महान पुरुषों की भूमि है। मैं वहां जाकर जितना हो सके उतना ज्ञान अर्जन करना चाहता हूं। तुम जो शिक्षा और ज्ञान वहां प्राप्त करना चाहते हो, उसका कैसे उपयोग करोगे? विलायत से लौटने के बाद मैं अपनी कौम, अपने राज्य और हमारी राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन बिताना चाहता हूं। तुम्हारी सेवा ने
हमारे देश को ही क्यों आखिरी में चुना है? महाराज आप तो जानते ही हैं कि इस देश में हमारी कौम के लोगों को हजारों वर्षों से कुछ भी देखने का, सुनने का और छूने का अधिकार नहीं है। बीए पास करने के बावजूद भी मैं दलित ही रह गया हूँ। इस मंजिल पर पहुंचने के बाद भी हिंदू समाज में मेरा स्थान वैसे का वैसा ही है। इसलिए मेरा मन कहता है कि पहले मैं अपने कौम के लोगों की खुद सेवा करूं। मैंने आपका नमक खाया है, आपकी दया से ही मैं इस मंजिल पर पहुंच सका। इसलिए मैं सच्चे मन से आपके और आपके राज्य की सेवा करना चाहता हूं। ये दोनों ही मेरा पहला उद्देश्य और महत्व है। शाबाश, जैसे भी हो, विलायत से लौटने के बाद तुम्हारे विचारों में परिवर्तन हो ही जाएगा और तुम हमारे देश को उन्नति के रास्ते पर चलाने के लिए जरूर कोशिश करोगे। तुम जो विद्या और ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो उससे तुम एक ईमानदार और सच्चे देशभक्त बनोगे और देश की सेवा करने को पहला महत्व दोगे। स्कॉलरशिप मंजूर करने के लिए कहता हूं, इसके अमेरिका जाने का प्रबंध करो और इससे संबंधित कागजात फौरन तैयार करो। भीमराव। नमस्ते सर। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए। कोई बात। बहुत खुश हुआ भीमराव, तुम कोलंबिया यूनिवर्सिटी को उन्नत व्यासंग के लिए जा रहे हो, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर तुम्हारे लिए त्याग करने वाले तुम्हारे पिता रामजी नहीं रहे, यही वेदना है। भीमराव, यहां के लोगों की चिंता मत करो, हम सब हैं। तुम जाकर अच्छी तरह से पढ़ाई करोगे, वो विश्वास है हमें। अब जाओ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब हम चलते हैं। जीते रहो, खुश रहो। खुश रहो। अरे हाँ भीमराव, मुझे मालूम है कोलंबिया यूनिवर्सिटी बहुत दूर है, कैसे जाओगे? बंबई से लंदन तक जहाज में जाऊंगा, वहां से अवसर मिला तो विमान में जाऊंगा।